के पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी राम बलि जी की, गई थी कि नहीं गई थी? राम भाई रूप जो है और सदस्यता समाप्त हुई थी राम बलि जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से जो है राजद को घेरने में लगी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सुनील कुमार सिंह का आज सदस्यता समाप्त कर दी गई, उन चीज़ों को लेकर अशोक चौधरी कह रहे थे कि उनको जो है आचार समिति की बैठक में बुलाई गई थी और राजद के कोटे से वो MLC हैं, उनको आचार समिति के दौरान उनके जो बातों को रखा गया और वो जो अपने बातों को रखा उसमें जो है दोषी पाए गए थे। ऐसे में अगर अध्यक्ष महोदय अगर उनकी सदस्यता समाप्त कर रही है तो उसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं, क्योंकि राजद ने पहले ही आपने देखा होगा एक MLC की सदस्यता जो है समाप्त कर दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजद के कोटे से ही जो है लिखित आवेदन दिया गया था कि इनका आचरण जो है वो गलत है, आचार समिति की बैठक में इनको बुलाया भी गया था और उसमें जो है इनको दोषी भी पाया गया था। ऐसे में अशोक चौधरी जो कि जदयू कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। अरे मुंह पर माइक है सब। आचार समिति के सदस्य हैं, आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। माइक नीचे लीजिए भैया, माइक नीचे लीजिए और माइक नीचे लीजिए। पूरा विधान परिषद की जो हमारी सरकार को इससे कोई ये अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी राम बलि जी की, गई थी कि नहीं गई थी? राम बलि जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? थोड़ा सा आर भाई नीचे करो यार। राम बलि जी की सदस्यता किन कारणों से गई? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी राम बलि जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई? एक एक ही एक्टिविटी पर आप दो तंत्र नहीं रख सकते। तो आपने अशोक चौधरी को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि राजद जो है लगातार अपने व्यवहार को लेकर जाने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एक अनपढ़ के तरह अपने बातों को रखते हैं तो अनपढ़ की तरह वो एक संवैधानिक पद पे रहते हुए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुचित है। और अध्यक्ष महोदय जो सभापति हैं उनको अगर गलत लगा है तो कहीं ना कहीं उनका जो तरीका है कार्यशैली का, तो वो अगर कार्रवाई किए हैं तो उन पर सवाल करना राजद का कोई भी तरीके से उचित नहीं है। जिस तरीके से वो सभापति पर सवाल कर रहा है तो कहीं से भी अनुचित है और कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है अगर राजद, तो कहीं ना कहीं राजद को ये भ्रम है कि सभापति पर उंगली उठाना कहाँ तक सही है और क्या गलत है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना, धन्यवाद। We'll be right back.